दोस्तों, आज ये हमारे पास में माइक्रोटेक का ई रिक्शा चार्जर आया है, टुक टुक का। ये कुछ इस तरीके से दिखता है, मैं पहले आपको दिखा दूं। दोस्तों, मैं इसका टॉप कवर हटा चुका हूं जिससे कि आपका टाइम ज़्यादा ख़राब ना हो। तो सबसे पहले वही बात दोस्तों, सबसे पहले हम देखने की कोशिश करते हैं कि जो हमारा कोई फिजिकल डैमेज है तो पहले हम उसे चेक करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने इसमें फिजिकल डैमेज जो हम देख सकते हैं, तो यहाँ पर ये जो हमारा फिल्टर लगा होता है, बड़ा वाला कंडेंसर, यहाँ से देखिए इस पॉइंट पर, दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। देखिए यहाँ से जो इसका ये वाला पॉइंट है, ये पूरी तरीके से ड्राई सोल्ड हो चुका है। और ये ड्राई सोल्ड होने की वजह से दोस्तों ये चार्जर डेड हो गया। अब इसके बाद में इसमें करंट नहीं आ रहा है। तो इसके लिए दोस्तों हमें सबसे पहले क्या चेक करना होगा, तो सबसे पहले दोस्तों हम इसमें चेक करेंगे ये जो हमारा मॉस्फेट लगा है, इस मॉस्फेट को चेक करेंगे, और ये जो जिनर डायोड है इसे चेक करेंगे, और ये हमारे ट्रांजिस्टर चेक करेंगे, और रेजिस्टेंस चेक करेंगे दोस्तों गेट के। और उसके बाद में हम देखते हैं कि इसमें ऑन करके कि यह चार्जर हमारा ऑन होता है या नहीं। चलिए मैं कैमरे को कर देता हूँ स्टैंड पे सेट और आपके लिए दिखाता हूँ किस तरीके से हम चेक करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने मल्टीमीटर अपना लगा लिया है और कैमरे को साइड कर दिया है। दोस्तों, यहाँ पर जो मैंने आपके लिए ड्राई सोल्ड बताई थी, वो तो पिन इसकी ड्राई सोल्ड है ही पूरी तरीके से। साथ ही में दोस्तों, इसे इस कॉल को स्विचिंग करने के लिए यहाँ पर हमारा एक मॉस्फेट होता है, तो सबसे पहले हम इस मॉस्फेट को चेक करेंगे। तो मॉस्फेट चेक करने के लिए दोस्तों मैं इसे डायोड मोड पर कर लेता हूँ। ये हमारा डायोड मोड पर हो चुका है। अब हम इसका मॉस्फेट चेक करते हैं। देखिए दोस्तों, ये शॉर्ट आ रहा है, पूरी तरीके से शॉर्ट है दोस्तों। बाकी हमारे अब दोस्तों दो मॉस्फेट बचे, उन्हें भी हम चेक कर लेते हैं। तो ये दोस्तों हमारा ठीक आ रहा है, और दूसरा वाला ये भी ठीक आ रहा है दोस्तों। और दोस्तों, यहाँ पर हमारे लिए डायोड देखने को मिलता है, तो इस डायोड को भी चेक करेंगे। देखिए डायोड की वैल्यू सही आ रही है, डायोड हमारा ठीक है। तो दोस्तों, अभी मैं इसमें क्या करूँगा, पहले तो मैं इसे ड्राई सोल्ड जो है हमारा फिल्टर, उसको ठीक मतलब सोल्ड करूँगा ठीक से, और इस मॉस्फेट को उतारूँगा, इसकी वैल्यू चेक करूँगा कितने वोल्ट और कितने एम्पियर का ये मॉस्फेट है। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहें, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलिए दोस्तों, इसका मॉस्फेट उतार लेते हैं। तो मॉस्फेट उतारने के लिए दोस्तों मैं इसकी पोजीशन आपको दिखा देता हूँ। ये जो हमारा फिल्टर लगा है, बड़ा वाला जो ड्राई सोल्ड था, इसके जस्ट सामने डायोड है, और डायोड के बराबर में ये जो हमारा मॉस्फेट लगा हुआ है। तो हमारा फिल्टर तो वैसे ही ड्राई सोल्ड है दोस्तों, तो एक बार मैं इसे उतार ही लेता हूँ। ये दोस्तों, इसका मैंने फिल्टर उतार लिया है। फिल्टर उतारने के बाद में दोस्तों हम मॉस्फेट का चेंज खोल लेते हैं। देखिए यहाँ पर मैं आपके लिए दिखा दूँ, ये हमारा मॉस्फेट है जो शॉर्ट आ रहा है। चलिए इसे भी बाहर निकाल लेते हैं और देखते हैं इसका नंबर क्या है दोस्तों। तो इसे खोल के जल्दी जल्दी निकाल लेता हूँ। दोस्तों, ये फिल्टर ड्राई सोल्ड होने की वजह से ये मॉस्फेट शॉर्ट हो गया, और हमारा जो चार्जर था वो पूरी तरीके से बैड कंडीशन में चला गया। ये दोस्तों मॉस्फेट बाहर आ चुका है। आपके लिए नंबर दिखाने की अगर मैं कोशिश करूं, इसका आप नंबर दिखाता हूं मैं आपको एक बार। देखिए इसका नंबर है 2460M2। तो दोस्तों, ये हमारा मॉस्फेट शॉर्ट है, इसकी जगह पे हम दूसरा मॉस्फेट लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए इसमें मॉस्फेट लगा लेते हैं और मैं आपके लिए दिखाता हूँ आगे। दोस्तों, मॉस्फेट से पहले हम इसका जो ड्रैप सेक्शन है, इस तरीके से रख लेता हूँ मैं ये वाला। यहाँ पे ये चेक करेंगे हम ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर को चेक करने के लिए दोस्तों इसे डायोड मोड पे करता हूँ मल्टीमीटर को, और यहाँ पे चेक करते हैं। ये देखिए ठीक आ रहा है, और यहीं पर दोस्तों यहाँ पर रेजिस्टेंस है 30 ओम की, इसे भी चेक करेंगे। ये भी दोस्तों प्रॉपर ठीक आ रही है। तो दोस्तों, ऐसा इसमें कोई और फॉल्ट ऐसा दिख नहीं रहा है, तो सीधे ही मॉस्फेट लगाएंगे, और मॉस्फेट लगाने के बाद में चेक करेंगे। और जो हमारा फिल्टर था जो कि ड्राई सोल्ड था, दोस्तों मैं इसमें सेम मॉस्फेट लगा देता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने इसका जो ड्राइवर सेक्शन है वो चेक किया, वो ठीक है। अब दोस्तों मैं इसमें मॉस्फेट लगा चुका हूँ, और जहाँ जहाँ हमें ड्राई सोल्ड लग रहा था हमने सारा कुछ सोल्ड कर दिया है। तो अब नंबर आता है दोस्तों इसे चेक करने का। तो चेक करने के लिए दोस्तों मेरे पास बैटरी नहीं है, मेरे पास SMPS है। तो SMPS से मैं आपके लिए चेक करके दिखाता हूँ। तो ये दोस्तों इसका प्लग है, इसमें मैं पॉजिटिव लगा चुका हूँ, और निगेटिव भी कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, इसे साइड में रख देते हैं, और मैं आपके लिए दिखाता हूँ सीधे ही बोर्ड पर कि जो हमारा DC करंट है वो आया या नहीं।
तो पहले डीसी चेक कंफर्म कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर 54 वोल्ट आ गए हैं। मैं प्रोब को उल्टा पकड़ा हुआ हूँ, ये मैंने SMPSS से 54 वोल्ट दे रखे हैं। तो दोस्तों, अब बारी आती है इसे मेन से कनेक्ट करने की, तो मैं इसे मेन से कनेक्ट करता हूँ और दिखाता हूँ आपको। देखिए, एक बार सीरीज ग्लो हुई और उसके बाद में जो हमारे वोल्टेज थे वो देखिए, यहाँ रिले की भी आवाज़ आ गई थी। देखिए, यहाँ पर 54 वोल्ट और ये बूस्ट हुए 60 वोल्ट। दोस्तों, ये हमारा चार्जर अच्छी तरीके से रिपेयर हो चुका है। अब हम इसे असेंबल करेंगे और जो हमारे कस्टमर हैं उनको डिलीवर कर देंगे। तो दोस्तों, कोई इतना बड़ा काम नहीं है कि ना हो। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। You don't know what goes on behind these eyes. You don't know the loneliness hidden inside. You don't know I wanna eat you up.